तो फाइनली HyperOS के अंदर जो है मून सुपर वॉलपेपर जो है एक्टिवेट कर दिया गया है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कुछ इस तरह का AOD टू लॉक स्क्रीन एनिमेशन आपको यहां पे देखने को मिलता है। इवन जब आप होम स्क्रीन के ऊपर जाते हैं तब भी आपको कुछ इस तरह का यहां पे एक वॉलपेपर इफेक्ट आपको यहां पे देखने को मिलता है। तो इस टाइम पे जो ये HyperOS डिवाइसेस के लिए जो है काम कर रहा है, तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इसको अपने फोन में यूज कर सकते हैं। अगर HyperOS आप यूज करते हैं तो आप भी इसको अपने फोन में यूज कर सकते हैं। तो आज का वीडियो उसी के ऊपर है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देगा, चैनल के सपोर्ट एंड मोटिवेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे लॉक स्क्रीन के ऊपर कुछ ऐसा आपको वॉलपेपर देखने को मिलता है और AOD पे आपको कुछ इस तरीके का ये एनिमेशन और लॉक स्क्रीन के ऊपर कुछ इस तरीके के एनिमेशन आपको यहाँ पे इस नए मून सुपर वॉलपेपर में यहाँ पे आपको देखने को मिले हैं। तो इसको आप भी अपने फोन में इंस्टॉल कर सकते हैं, जो मैं आपको बताने वाला हूं आप उसी तरीके से इसको मेथड को फॉलो कीजिएगा। तो देख पा रहे हो कुछ इस तरीके का एनिमेशन है और होम स्क्रीन के ऊपर जब जाते हैं तो कुछ इस तरीके का एनिमेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो इसको इंस्टॉल करने के लिए आपको एक APK फाइल को डाउनलोड करना है। कोशिश कीजिएगा कि आपके फोन में सुपर वॉलपेपर्स का सपोर्ट हो, अगर नहीं है तब भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए आप क्या करना है, एक APK फाइल को डाउनलोड कर लेना है। ये वो फाइल है सुपर वॉलपेपर्स की, इसको डाउनलोड करके अपने फोन के अंदर इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद आप क्या कीजिए, प्ले स्टोर के ऊपर जाइए। प्ले स्टोर पर जाके आपको सर्च करना है गूगल वॉलपेपर्स, यहाँ पर सर्च करिए गूगल वॉलपेपर ऐप, और आपको जो है गूगल वॉलपेपर्स की एक एप्लीकेशन यहाँ पे देखने को मिलेगी जिसको मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है। इसको इंस्टॉल करने के बाद आप ओपन कर लेंगे। ओपन करते ही आपके फोन के अंदर आपको जाना है, वहां पे आपको नीचे आपको एक लाइव वॉलपेपर का सेक्शन देखने को मिलता है। वहां पे जाके आपने क्या करना है, जो मून का जो सुपर वॉलपेपर है उसको वहां पे सिलेक्ट कर लेना है और सेट वॉलपेपर कर देना है। उसके बाद जो है ये वॉलपेपर जो है आपके फोन पे एक्टिव हो जाएगा। कोशिश ये करिएगा कि पहले से आपका AOD जो है एक्टिवेट होना चाहिए, अदरवाइज AOD स्क्रीन पे ये काम नहीं करता है। ये कोई ऐसी थीम यूज कीजिएगा जिसमें AOD थीम आपकी परफेक्ट तरीके से काम कर रही है। तो ये देखिए AOD टू लॉक स्क्रीन जो है कुछ इस तरीके का एनिमेशन मिलता है। तो फाइनली जो HyperOS का मून सुपर वॉलपेपर है जो कि इस टाइम पे चाइना में रिलीज किया है, उसको आप भी अपने इंडियन या ग्लोबल फोन पे आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो बस आज का वीडियो इसी के ऊपर था। डाउनलोड लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप इस नए मून सुपर वॉलपेपर को डाउनलोड करके अपने फोन के अंदर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।